हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम अष्टम भाव के फल की ओर, फलादेश की ओर, अष्टम भाव, कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, इस अष्टम भाव से क्या क्या देखा जाता है और ग्रहों की क्या क्या स्थिति हो तो क्या क्या फल होता है। वैसे ये मृत्यु का घर, रोग और मृत्यु का घर है, तो जातक के जीवन में मृत्यु की जो अवस्था, एक्सीडेंट वगैरह की जो अवस्था है, परेशानियों की जो अवस्था है, वो किस प्रकार से होती है तथा आयु कितना होता है व्यक्ति का, इस विषय में विचार किया जाता है। तो मित्रों, इस अष्टम भाव के प्रकरण में महर्षि पाराशर के द्वारा वर्णित टोटल 12 श्लोक हैं, जिसमें से आज हम 6 श्लोकों का वर्णन करने वाले हैं। तो चलिए, आज इस प्रकरण की ओर हम बढ़ें। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/astroclasses। क्लासेस में डबल एस है। एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर, माई ट्विटर हैंडल है एस्ट्रो क्लासेस। एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। एंड विजिट माई वेबसाइट www.astroclasses.com and call for appointment for any suggestions. Suppose that astro and vastu, and call me this number at 6905221 and give your WhatsApp number for astro classes silvasa WhatsApp group. तो आप अपना नाम और पता लिख करके हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम अपने ग्रुप में आपको ऐड कर लें और प्रतिदिन के जो नोटिफिकेशंस हैं, जो हमारे अपडेट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वीडियोज हैं, उनके लिंक आप तक पहुंच जाए सहजता से, आसानी से। तो आप हमसे मिल करके, अपॉइंटमेंट लेकर के, अपने लाइफ के विषय में ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन आपको आना है तो मेरा पता है बालाजी एस्ट्रोलॉजी सेंटर, बी साइड गायत्री मंदिर, मेन रोड, मंदिर फलिया, आमली, सिलवासा। ये यूटी ऑफ TNNH, दादरा एंड नगर हवेली, ये केंद्र शासित प्रदेश है, न्यू यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे आकर के गायत्री मंदिर के जस्ट बाजू में मेरा ऑफिस है, आप हमसे मिल सकते हैं। अथवा ऑनलाइन अगर आपको सलाह लेना है तो मेरे अकाउंट में मेरा फीस डाल करके, और फिर आप हमसे बातें कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम अपने प्रकरण की ओर बढ़ें। आज का हमारा जो प्रकरण, जैसा कि मैंने बतलाया आप लोगों को, अष्टम भाव फलम, बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अध्याय 16वें में अष्टम भाव फलम, जिसमें से 172 से 183 तक टोटल 12 श्लोक है, जिसमें से आज हम 6 श्लोकों का 172 से 177 तक का वर्णन करेंगे। तो आइए पहले 172वें श्लोक को देख लेते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं कि आयुः स्थानाधिपः पापैः सहैव यदि संस्थितः करत्यल्पायु संजातम् लग्ने सोप्यत्र संस्थितः। बड़ी स्पष्ट बात कहते हैं महर्षि पाराशर। कहते हैं कि आयु स्थानाधिपः पापे, अगर जो आयु स्थान का मालिक है, अर्थात जो अष्टमेश है, वो कोई पाप ग्रह हो, और पापे सहैव यदि संस्थितः, हाँ, और अपने ही घर में बैठा हो, करत्यल्पायु संजातम लग्नेशोऽप्यत्र संस्थितः, अगर लग्नेश भी साथ में हो, आठवें भाव में ही हो, तो ऐसा जातक अल्पायु होता है। समझ गए? अष्टम भाव का मालिक अगर लग्नेश के साथ
अष्टम भाव में ही स्थित हो, बैठा हो, तो ये जातक को अल्पायु बनाता है। ठीक है, अल्पायु योग बनाता है। एवं ही शनिना चिंता कार्या तर्कैर विचक्षणैः कर्माधिपेन च तथा चिंतनम कार्यमायुसः। कहते हैं कि आप एवं ही शनिना चिंता, है ना, इसी प्रकार तर्क द्वारा शनि और कर्मेश, है ना, कर्माधिपेन कर्मेश और शनि, ठीक है, इन दोनों से भी आयु का विचार आप कर सकते हैं। आयुषम चिंतनम कार्यम, ठीक है, तो शनि और दशमेश के अनुसार, उनकी स्थिति के अनुसार, इसी तर्क के द्वारा, है ना, आप इस विषय में, आयु के विषय में चिंतन कर सकते हैं, गणित निकाल सकते हैं। चलिए इस तीसरे श्लोक को देखते हैं। षष्ठे व्यये षष्ठेषु व्ययाधीशो रिपो व्यये लग्नेष्टमे स्थितौ वापि दीर्घमायुः प्रयच्छति। क्या बात है, सीधे उलट गया वही चीज। चलिए इस चीज को देख लेते हैं। कहते हैं कि षष्ठे व्यये अपि, है ना, षष्ठेश जो है, हाँ, षष्ठे व्यये अपि षष्ठेशो, षष्ठेश जो है वो छठे या बारहवें घर में बैठा हो। ठीक है, स्पष्ट बात है। व्ययाधीशो रिपो यदि, जो बारहवें घर का मालिक है वो रिपो यदि, रिपु के अर्थात छठे घर में बैठा हो, रिपो व्यये छठे अथवा व्यय बारहवें भाव में बैठा हो, लग्निष्ट में स्थितौ वापि। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि लग्न या आठवें भाव में, ठीक है, लग्नेष्ट में स्थितौ वापि दीर्घमायुः प्रयच्छति। षष्ठेश छठे अथवा बारहवें घर में हो, व्ययेश छठे अथवा बारहवें घर में हो, अथवा लग्ने अष्टमे लग्न में या आठवें घर में बैठा भी हो, आठवें घर में भी बैठा हो, तो भी ये दीर्घमायु प्रयच्छति, दीर्घायु बनाता है जातक को। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। स्वस्थाने स्वांसके वापि मित्रे से मित्र मंदिरे दीर्घायु संकरोत्येवं लग्ने सोप्यमपह पुनः। लग्ने सोष्टमपह पुनः, कहते हैं कि स्वस्थाने स्वांस के वापि, ठीक है, अपने यहाँ अष्टम भाव का वर्णन चल रहा है, तो यहाँ जो भी बात किया जा रहा है वो अष्टमेश के विषय में ही है, हैं, ठीक है, लेकिन या तो फिर आप ऐसे श्लोक मिले तो उसके विषय में आप ये बात स्पष्ट समझ सकते हैं कि या तो ऊपर वाले श्लोक में दिए गए वर्णन के अनुसार ये बात वर्णित किया जा रहा है, अथवा जिस भाव की चर्चा चल रही हो उस भाव के भावेश से उनका तात्पर्य है। तो यहाँ पे कहते हैं कि स्वस्थाने स्वांस के वापी मित्रे से मित्र मंदिरे, अर्थात लग्नेश अष्टमेश और पंचमेश, ठीक है, कौन कौन सा, लग्नेश अष्टमेश और पंचमेश, हाँ, अपह पुनः, हाँ, लग्नेश अष्टमेश और पंचमेश स्वस्थाने, है ना, अपने भाव में हो, अथवा अपने नवांश में हो, या फिर मित्र जो है, है ना, मित्र की राशि में हो, मित्र मंदिरे, तो दीर्घायुषम करोत्येवम्,
ठीक है, दीर्घायु बनाता है जातक को, इसमें कोई संशय नहीं है। कहते हैं कि लग्नाष्टम कर्मेश मंदाह केंद्र त्रिकोणयोः लाभे वा संस्थितास्तद्वत् दिशे युर्दीर्घमायुषम्। लग्न अष्टम कर्मेश, ठीक है, लग्न लग्नेश, अष्टमेश और कर्मेश तथा मंदाह साथ में शनि, ठीक है, ये किसी केंद्र अथवा त्रिकोण में या फिर लाभे वा है लाभ भाव ग्यारहवें भाव में बैठा हो, पांचवें नवें या ग्यारहवें अथवा किसी केंद्र में, चारों केंद्रों में से, चारों केंद्रों में से किसी केंद्र में एक चार सात और दस अथवा पांच नौ और ग्यारहवा इनमें से किसी में बैठे हो, कौन कौन, लग्नेश अष्टमेश और दशमेश, ठीक है, लग्नेश अष्टमेश और दशमेश तथा साथ में शनि, अगर एक चार सात एक चार सात और दसवें घर में तथा पांचवें नवें और या फिर ग्यारहवें घर में भी बैठे हो तो क्या होता है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो दिशेत दीर्घमायुषम, है ना, दिशे योर दीर्घ मायुषम, ऐसे जातक बहुत दीर्घायु होते हैं। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। अष्टमाधिपतौ केंद्रे लग्ने से बलवर्जिते विंशद वर्षान्यसौ जीवेद द्वात्रिंशत् परमायुषम। कहते अष्टमाधिपौ, अष्टमाधिपतौ है अष्टम भाव का जो अधिपति है अष्टमेश, वो किसी केंद्र में हो, एक चार सात और दसवें घर में, ठीक है। और कहते हैं कि लगने से बल वर्जिते, लगने से बलहीन हो, ठीक है, लगने से बल वर्जिते, लगने से निर्बल हो तो विंशद वर्षान यसौ जीवेत, ठीक है, ऐसा व्यक्ति 20 अथवा द्वात्रिंशत् परमायुषम अथवा 32 वर्ष की ही आयु होती है। अगर ऐसी स्थिति हो, कैसी स्थिति हो, अष्टमेश जो है वो किसी केंद्र में बैठा हो और लग्नेश बलहीन हो, अस्त हो, तो ऐसा व्यक्ति 22 या 32 वर्ष तक ही 20 या 32 वर्ष तक ही जीवित रहता है, इनकी इतनी ही आयु होती है। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए एक श्लोक जो इसमें था उसको मैं सोच रहा था कि थोड़ा और बृहत रूप से समझाऊं, लेकिन वीडियो इतने लंबे हो रहे हैं कि मैं जल्दी 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 सोचने में भी लंबा हो जाता है, तो कोई बात नहीं, प्रकरण के अनुसार आगे कभी मैं बतला दूंगा। चलिए अगला जो हमारा प्रकरण होगा इसी में ये जो बाकी के श्लोक हैं 6 और इस इन 6 श्लोकों के विषय में बृहत वर्णन करेंगे। तो आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/astroclasses फॉलो मी ऑन ट्विटर, माई ट्विटर हैंडल इज astroclasses एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स एंड विजिट माई वेबसाइट www.astroclasses.com एंड astroclasses.tk ये मेरा ब्लॉग है, अथवा astroclasses में SS लगा के .blogspot.com टाइप करेंगे तो भी हमारा ब्लॉग खुलेगा। एंड कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशन सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु, तो आप मुझे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। और व्हाट्सएप पर एस्ट्रो क्लासेस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप अपना नाम और पता लिख करके हमें मैसेज करें व्हाट्सएप पर इस नंबर पे, ताकि हम आपको अपने ग्रुप पे ऐड कर लें फॉर एनी अपडेट्स, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।